दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने वड्डा बयान दिता है। उन्होंने कहा है कि संयुक्त समाज मोर्चे वालों चोणा लड़न ते केजरीवाल ने बयान दिता है। उन्होंने कहा है कि जे संयुक्त समाज मोर्चा चोणा लड़दा है तो आम आदमी पार्टी नूं इसका नुकसान होगा। दस दिए कि अरविंद केजरीवाल अज पंजाब आए हुए जिते कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके उन्होंने बयान दिता कि संयुक्त समाज मोर्चा जेकर चोणा लड़दा है तो उसका आम आदमी पार्टी नूं नुकसान होगा। इस बात से मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूं कि संयुक्त किसान समाज मोर्चा अगर अलग से लड़ता है तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी का कुछ ना कुछ तो वोट। ता अरविंद केजरीवाल ने 2022 दी चोणा नु लेके क्या है कि अगर संयुक्त समाज मोर्चा पंजाब विच चोणा लड़दा है तो उसका खमियाजा जेड़ा है आम आदमी पार्टी नु जरूर भुगतना पवेगा। हम दस दिए कि अज अरविंद केजरीवाल पंजाब आए हुए जिथे उन्होंने पंजाब के 10 एजेंडिया का भी ऐलान किया। इस मौके अरविंद केजरीवाल ने संयुक्त समाज मोर्चे से वड्डा बयान देते हुए कहा है कि जेकर वह पंजाब में चोणा लड़ते हैं तो उसका आम आदमी पार्टी नुकसान होगा। उन्होंने भी कहा कि राज्यवाल एक बहुत ही चंगे इंसान है, वह मेरे को आए सन, उन्होंने 60 सीटा की मांग की पर असी अपन 90+ सीटा पहले ही ऐलान चुके हैं, जिस कारण साडा जोड़ा गठजोड़ जड़ा है वह नहीं हो सकया। तुम एक बार फिर तो सुना दें कि अरविंद केजरीवाल ने संयुक्त समाज मोर्चे को लेकर की बयान दिता। मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूँ कि संयुक्त किसान समाज मोर्चा अगर अलग से लड़ता है तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी का कुछ ना कुछ तो वोट। 2022 दी चोणा नु लेके आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जो ने लगातार सरगर्म ने पंजाब विच लगातार वह गेड़े मार रहे ने, ऐलान किए जा रहे ने। इस मौके वह अज फिर पंजाब आए ने जिथे उन्होंने चोणा नु लैके एक वड्डा बयान दिता है। उन्होंने कहा है कि संयुक्त समाज मोर्चा जेकर पंजाब दे विच 117 सीटा ते चोणा लड़दा है तो उसका नुकसान जो है आम आदमी पार्टी नु होगा।